गाइस दिस इज प्रशांत, यू आर वाचिंग रोड एंड व्हील्स। तो आज बहुत दिनों के बाद एक रोड एंड व्हील्स का एक और छोटा राइड होने वाला है, और जैसा कि आप फ्रेम में देख रहे हैं मेरे साथ आज नीतीश जी फिर से एक राइड पे हमारे साथ। पिछले बार हम लोग नेतराट राइड किए थे। सो अभी सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम लोग टाइम से बहुत डिले हो गए हैं, तो अभी कुछ नहीं करते, इधर डायरेक्टली निकलते हैं रोड पे। तो अभी हाईवे किनारे हाथ में चाय लिए, मतलब राइड का असली मजा तो यही है, हाईवे के किनारे चाय पीना। और अभी हम लोग सारे लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। काश मैं आपको दिखा पाता। देखो यार, हम लोग हैं होटल मधुवन रेस्टोरेंट में, यहाँ पे हम लोग खाते हैं मैगी। जैसा कि हमने चाय वाय पी लिया और लंच का भी इरादा हमारा यहीं पे है। सो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं कुछ ऑफ रोडिंग करते हुए। जंगल का मैं साइकिल करके पूरा मजा लेते हुए चला रहा हूँ गाड़ी को। सो ऑफ रोडिंग और सैडलिंग, ये दो बहुत जबरदस्त चीज है। और जो मैं नज़ारे दिखलाने जा रहा हूँ आपको, वो नज़ारा तो एक और भी अपने आप में अल्टीमेट है वो। तो देखो, पूरा जंगलों के बीचों बीच राइड का आनंद लेते हुए। तो अभी हम लोग कुछ प्राकृतिक के गोद में आए हुए हैं, खतरनाक हिंदी, नेचर के गोद में आए हुए हैं, सही वाला। तो अभी ये फाइनल लोकेशन नहीं है हमारा, फाइनल लोकेशन यहाँ से 10-15 कदम दूर है, लेकिन जहाँ से घुसना है बहुत लोगों को नहीं पता होता है, क्योंकि वो कोई रोड जैसा दिखता नहीं है। सो अभी सब लोगों को आने देते हैं, देन हम आगे चलते हैं। यही है वाटरफॉल, बस नहाओ। यही है। ना तो कुछ ऐसा है इधर इस एरिया में। बाकी सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन जो इधर आता है ना, देख रहे हैं पूरा कूड़ा कड़कट फैला के चला जाता है। वही ना, मतलब एक अच्छा जगह अगर आपको मिले उसको लोग अच्छा रहने नहीं देता है, बर्बाद कर दो। हाँ, वही हिसाब किताब है, उसका सेंस होना चाहिए आदमी को। हाँ, जानते सीधे फाइन करना चाहिए, सीधे फाइन 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार फाइन कर देना चाहिए, अगर तुमको रैपर भी फेंकते देखे तो। वही ना हुआ अभी, डर से जो हेलमेट उड़ना जो हाँ किया, हाँ तो भाई लोग कैसे एकदम लाइन पे आ गया। वही ना, अभी टाइम 11:25 हुआ है और हम पहुंच चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे, जो कि बहुत ज़बरदस्त जगह है। एक 15 किलोमीटर अप्रॉक्स होगा हजारीबाग सिटी से, लेकिन देखो भाई साहब क्या ज़बरदस्त सी लोकेशन।
और ये एक वाटरफॉल है, बहुत लोगों को हजारीबाग में नहीं पता है इस वाटरफॉल के बारे में, क्योंकि मुझे भी 15-20 दिन पहले ही पता चला। और जैसा कि आप लोग मेरे वीडियो में देख रहे होंगे अभी कि बैकग्राउंड में पानी का साउंड आ रहा है, चाहता तो एडिट करके मैं बना सकता था, लेकिन सारे मज़े इसी के तो हैं। रियलिटी ब्रो, रियलिटी, सच्चाई दिखाना। मैं उतरू कैसे? तो कुछ इस प्रकार चल रहा है यहाँ पे, सब तरफ चारों ओर फोटोशूट और लेंस में फॉग आ गया। यस, तो अभी इधर फोटोशूट, नीतीश भैया फोटोशूट, वो बंदा फोटोशूट, सेल्फी। अभी नीतीश भैया से आपको मिलवाए थे। नीतीश भैया का एक चैनल है, मैंने लास्ट में नितरहट वाला वीडियो में भी बोला था, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा इनके चैनल का। सो जाके ज़रूर चेकआउट करो इनके चैनल को, क्योंकि अभी मेरे चैनल पे आप लोग सिक्किम वीडियो देखे हो, लेकिन हम और ये दोनों लोग सिक्किम गए, सिक्किम का वीडियो, और दोनों एकदम पूरा अलग। इनके चैनल पे कुछ अलग सिक्किम देखने को मिलेगा, मेरे चैनल पे अलग सिक्किम देखने को मिलेगा। चैनल पे आकर के इकट्ठा देखो, पूरा सिक्किम का नज़ारा आपको मिल जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ आप गए वहाँ हम नहीं गए, जहाँ हम गए वहाँ आप नहीं गए, और हम लोग दोनों गुरु डोंग मांग नहीं गए। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम प्लान करेंगे, जाएंगे, और होपफुली रोड एंड व्हील्स हजारीबाग के साथ मौका मिलेगा गुरु डोंग मार्ग जाने का, और जो मिसिंग प्लेस है वो कंप्लीट होगा बिल्कुल। तो जाके चेकआउट, भाई लगा रहता है, चेकआउट करो। अभी आपको वाटरफॉल दिखलाया, वाटरफॉल से थोड़ा नीचे आके थोड़ा इस तरह का लोकेशन है, बड़ा ज़बरदस्त वाला लोकेशन था, तो सोचा दिखला ही दूँ। और इधर तो और तकड़ा लोकेशन है दोस्त, तो वैसे तो लेट हो रहा है, सब लोग जा रहे, लेकिन हम इधर जाएंगे आप लोगों के लिए, तो बस आप सबको दिखाने के लिए कि हमारे हजारीबाग में क्या खूबसूरत सा जगह है। इसके लिए मेरे चैनल पे ये वाले वीडियो को लाइक करो, चलो सबको शेयर भी करो हजारीबाग के दोस्तों, दिखला दो दुनिया को हजारीबाग कैसा है। हम आते हैं, तब तक यहीं रहना। तो सिर्फ पत्थर भरा हुआ है, आई थिंक पहले यहाँ पानी वानी गुजरता होगा, तो इस वजह से ही ऐसा पत्थर कटता है, लेकिन फिलहाल तो बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है, और कुछ ऐसा ही चलता जा रहा है लोकेशन। अभी पूरा जंगल में अकेले, और जैसा कि अभी आप पूरा मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक यहाँ से हटा दिया हूँ, सिर्फ पूरा जंगल का शांति और पानी का आवाज़, मतलब कि एक अजब सा महसूस कराता है हम लोगों को, बड़ा मज़ा आ जाता है यार, ऐसे ऐसा चीज़ सुन के, ऐसा शांति में आके, कुछ ऐसा लोकेशन में मज़ा आ जाता है। अब ऐसे लेट हो रहा है तो भी जाते हैं, फिर कभी मौका मिला तो ज़रूर दिखाएंगे, और अभी कुछ दिखाने वाली चीज़ें होंगी तो वो भी दिखाएंगे, तो बने रहो चैनल पे। चले, तो उधर का लोकेशन कैसा लगा, मज़ा आया? और अभी और भी मज़ेदार स्पॉट दिखाएंगे, और जो भी कुछ होगा अभी दिखलाएंगे, चलो। तो भाई का कैमरा हो चुका है हाईजैक, और उधर प्रशांत भाई लगे हुए हैं थोड़ी अच्छी तस्वीर निकालने में। फोटो भी जरूरी है। सो इस एक छोटे से ब्रेकफास्ट राइड को हम लोग लंच राइड में कन्वर्ट करके अब हुआ सब कुछ खत्म, लंच भी हमारा हो गया बीच हाईवे के किनारे, जहाँ से चाय पिया था हमने वहाँ पर ही, उसी होटल में यहाँ पे हम लोगों ने लंच करा, अपना चिकन विकन दबा के खाया हुआ, चाय भी पी लिए, अब निकलेंगे हजारीबाग को। सो अब ब्लॉग करके आगे कुछ बनता नहीं है, सो ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं,
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक फन वेरी सीरियसली, बूम।